गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज का नया टॉपिक है चुनाव पर आधारित पार्ट 4। बहुत ही सरल सवाल, बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल, और ये किताबों में भी पाया गया है, और ये सवाल को कभी कभी पूछ लिया जाता है तो अक्सर हम प्रश्न में छोड़ देते हैं। हम आपको जो बातें बताएंगे उन बातों को आप बहुत ध्यान से याद रखना, आपका सवाल कभी गलत नहीं होगा। ये बात आज का जो टॉपिक हम पढ़ेंगे ये तो आपको नंबर दे के ही जाएगा, बस हमारी भाषा शैली को याद रखना। चलिए देखते हैं, टॉपिक का नाम होगा चुनाव पर आधारित। में टॉपिक चल ही रहा है, इसमें टाइप 4 आ जाएगा। टाइप 4 का मतलब होगा यहाँ पर चुनाव पर आधारित प्रश्न में अवैध मतों की संख्या प्रतिशत में ना हो। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा अवैध मतों की संख्या कायम होगी, प्रतिशत में होगी, वैध अवैध जो डालने ही ना जाए। आज के टॉपिक में है कि जब अवैध मतों की संख्या प्रतिशत में ना हो तो आखिर होगी कायम, डिजिट के रूप में होगी, डिजिट के रूप में। देखिएगा ये भी बात है, आपको एकदम स्पष्ट एक एक करके बात आपका वीडियो हम आपको दे रहे हैं जिससे आपके डाउट हमेशा के लिए क्लियर रहे। जब अवैध मतों की संख्या प्रतिशत में ना हो, जब अवैध मतों की संख्या प्रतिशत में ना हो, देख लेते हैं पहला सवाल। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, इस चुनाव में भाषा लगा दी जाए, अगर वैध अवैध का
क्वेश्चन में वर्ड है तो मान लो 100 के 100 वोट डालने गए, इसके बाद उन्हें रिजेक्ट किया गया, ठीक है। तो देखेंगे सबसे पहले अपने पुराने आते हैं, उन्हीं आंकड़ों को लेकर के हावला हंड डाल दिए और हाल में हमने तुरंत मान लिया कुल मतदाता हो गए 100। और एक बात बताते हैं आपको, अगर यहाँ पर 68% मत अवैध घोषित हो जाते तो हम तुरंत 100 से 68 घटा देते, वैध मतों की संख्या मिल जाती। बट अब तो टॉपिक का नाम है जब अवैध मतों की संख्या प्रतिशत में ना हो, जब अवैध मतों की संख्या प्रतिशत में ना हो। तो देखो, तो आप एक बार तो सुनिएगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा, एक सवाल ये और एक बार कराते हैं और ये आपका टॉपिक कभी कॉम्प्लीट हो जाता है। ध्यान से ये सुनना है कि जब अवैध मतों की संख्या प्रतिशत में ना हो, जब अवैध मतों की संख्या प्रतिशत में ना हो अर्थात डिजिट के रूप में हो, बिना प्रतिशत के हो, तो हम सर्वप्रथम सवाल को टाइप फर्स्ट की तरह लगाते हैं। अभी आपके लिए समस्या खड़ी हो गई, टाइप फर्स्ट की तरह लगाते हैं तो टाइप फर्स्ट की तरह वही लगा पाएंगे जो हमारा बराबर शुरू से वीडियो देख रहे हैं, हमारा साथ दे रहे हैं। तो अब जो लोग नए लोग जुड़ेंगे तो वो हमारा पहला वीडियो चुनाव पर आधारित का जाकर देखें और ये वाला टॉपिक उन्हें तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, पहले तुरंत 68 को इग्नोर कर लिया, ये दिया ही नहीं है, ये समझिए, और आप अपना टाइप फर्स्ट की तरह लगाइए। 100% हमारे मतदाता होते हैं, एक तरह हम लिखते हैं जीतने वाला, एक तरह हारने वाला। जीतने वाला पाया 50 से ज्यादा पाए तो जीतने वाले की तरफ, और ये पाया हारने वाला 48%। इन दोनों का अंतर यही 4% बराबर का, यही 4% बराबर का 98 के हम 100 पर लौट आएंगे तो हो जाएगा 98 गुणित का 100/4। काट दीजिए 2500 को 100 गुणा करा दीजिए, 25 8 200 हाथ में आए 20, 25 नंबर 225 225 में 20 जोड़ दिए तो हो गया 5 2 4 2450। बहुत मस्ती से। और एक बात बता दें, आप विकल्प में ये भी मिलेगा और ये है गलत, अभी ये आंसर नहीं है क्योंकि अब आगे देने जा रहे हैं इसका कुछ रोल है। अब इतना निकालने के बाद इसीलिए कुल मतदाता बराबर 2450 प्लस के 68 यानी कि 8 6 5 11 2518। अब यहाँ पर एक नोट तैयार हो गया, नोट क्या तैयार हो गया सुन लीजिए, आप पेन और कॉपी लेकर के लिख लीजिए। जब अवैध मतों की संख्या प्रतिशत में ना हो तो हम ऐसे सवालों को हल करने के लिए सर्वप्रथम टाइप फर्स्ट की तरह पूरे सवाल को सॉल्व कर लेते हैं और सवाल को सॉल्व करने पर 100 का जो मान आए उस मान में आकर के फिर अपने मन से अवैध मतों की संख्या को जोड़ देते हैं, फिर प्राप्त मान ही हमारा कुल पड़े मतों की या कुल कितने मतदाता थे ये शो कर देता है। ये वाला आंसर हमारा सही होगा। क्या याद करेंगे, जब अवैध मतों की संख्या प्रतिशत में ना हो तो हम सवाल को एकदम मस्ती से पहले टाइप फर्स्ट की तरह लगाते हैं और टाइप फर्स्ट लगा करके जो 100 का मान आए उस मान में हम अपने मन से अवैध मतों की संख्या को जोड़ देते हैं, वही हमारा विकल्प आंसर होगा। ये कभी भी आंसर नहीं होगा, दैट इज क्लियर। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मेमोराइज करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाने का हमारे साथ प्रयास करिए। बहुत सरल टॉपिक और आप ढेर सारे सवाल देख देख करके लगाते रहिए, इन्हीं दो सवालों में टॉपिक सिंपल है तो आप पढ़ लेंगे। जिसने कभी भी मैथ ना पढ़ी हो हमारी लैंग्वेज को भाषा शैली को बड़े प्रेम पूर्वक सुने, सब कुछ आएगा, ये मेरा वादा है सब कुछ आएगा। और दूसरा, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, चुनाव में
बड़े मतों में से, बड़े मतों में से 95 मत अवैध घोषित कर दिए गए, अवैध घोषित कर दिए गए। एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, चुनाव में पड़े मतों में से 95 मत अवैध घोषित कर दिए गए। अब देखो ये भाषा शैली जोड़ दी सवाल में, कभी ना जोड़े तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें खोल दिया चुनाव में जब कुछ पड़ेगा तभी तो हम वैध अवैध कर पाएंगे, और जब ये लैंग्वेज ना भी दी जाए तब भी अपने मन से मानना होगा कि कुछ ना कुछ पड़ा होगा तभी तो वैध अवैध कर पाएंगे। तो चुनाव में पड़े मतों में से 95 मत अवैध घोषित कर दिए गए। अब जीतने वाला प्रत्याशी, जीतने वाला उम्मीदवार, जीतने वाला उम्मीदवार कुल वैध मतों का, जीतने वाला उम्मीदवार कुल वैध मतों का, कुल वैध मतों का जीतने वाला उम्मीदवार कुल वैध मतों का 60% मत प्राप्त करता है, 60% मत प्राप्त करता है, और 800 मतों से चुनाव जीत जाता है, और 800 मतों से चुनाव, 800 मतों से चुनाव जीत जाता है, 800 मतों से चुनाव जीत जाता है। तो बताइए चुनाव में, तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े, कुल कितने वोट पड़े, ये देखिए। पहला, सबसे पहली बात मेमोराइज करिए, ऐसे जब अवैध मतों की संख्या प्रतिशत में ना हो तो हम टाइप फर्स्ट की तरह लगाते हैं, तो 100% मान करके तुरंत हमने एक तरफ लिखा विनर, एक तरफ लूजर, जीतने वाला अगर 60% पाया तो हारने वाला 40, इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर यही 20% बराबर 800 के, हम कहां लौटते 100 पर, तो हो जाएगा 800 गुणित के 100 बटे 20 पंचे 100 58 40। ऑप्शन में सबसे पहले यही दिखेगा तो ये गलत है, 4000 ये तो 100 का मान आया। अब हम लिखेंगे कुल मतों की संख्या बराबर, तो कुल मतों की संख्या बराबर नंबर ऑफ वोटर, कुल मतों की संख्या बराबर हो जाएगा, हमने क्या बताया इसी 100 में इस मान को हम जोड़ देते हैं तो आंसर हो जाएगा 4095, 4095। क्लियर, आप सवाल को लगाते रहिए। इसी टॉपिक में हम आज एक टॉपिक और जोड़ देते हैं, उसके भी दो सवाल करा देते हैं, चुनाव पर आधारित टॉपिक आपका लगभग लगभग खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आते हैं। टाइप उसको हम दे देते हैं टाइप, फिर से हम बोल रहे हैं एक बार आप सुनते रहिएगा, जब अवैध मतों की संख्या प्रतिशत में ना हो, जब अवैध मतों की संख्या प्रतिशत में ना हो तो हम सर्वप्रथम सवाल को टाइप फर्स्ट की तरह एकदम सॉल्व करते हैं और आए हुए मान में अपने मन से अवैध मतों की संख्या को जोड़ देते हैं। इसी में देख लेते हैं हम लोग टाइप फाइव, ठीक, टाइप फाइव में आकर हेडिंग क्या डलवाना, सुनिए इसमें ऐसे कहेगा सवाल कि एक चुनाव में दो प्रत्याशी है, चुनाव में पड़े मतों में से, इस तरह से भाषा शैली का उपयोग करेगा, तो अभी हम आपको बता रहे हैं। जब कुछ परसेंट मतदाता अवैध घोषित तो हो जाए तथा कुल मतों की संख्या, अभी तक जो हम आपसे पूछा करते थे वो अब तुम्हें दे दी जाया करेगी, तो सवाल इसका एक दूसरा रूप लेगा, इसके सवाल आर्य सभ्यवाद में खूब पाए जाते हैं, तो कुछ स्टूडेंट सवाल को पढ़ के छोड़ देते हैं और आर्य सभ्यवाद को कठिन मानने लगते हैं।
हालांकि मैं ये कहूंगा एक टीचर होने के नाते आर एस अग्रवाल अपने आप में एक बहुत अच्छी किताब मानी जाती है। इस किताब का जो भी 4-5 बार अध्ययन पूर्णता कर ले तो उसका सिलेक्शन मैथ में तो कभी रुक नहीं सकता, ये ऐसा हमारा मानना है जैसा हमने यह लिखा है, ठीक है। और आपके रूम पर तो हमेशा किताबों का ही भंडार रहना चाहिए, कभी ज़्यादा किताबों का भी भंडार नहीं होना चाहिए। पता चले एक ही विषय की बहुत सारी किताबें पढ़ी, जब तक एक विषय की एक राइटर की किताब को आप पूरा ना पढ़ लो तब तक दूसरे विषय की राइटर तब तक उसी राइटर विषय को राइटर की दूसरी की ना लेके आइए, क्योंकि फिर आप पढ़ने का वो दुविधा होगी। एक का पूरा पहले कवर करें और 3-4 बार पढ़ें। इस टॉपिक का नाम हम देते हैं जब कुछ प्रतिशत मतदाता अवैध घोषित हो, जब कुछ प्रतिशत मतदाता अवैध घोषित हो तथा कुल मतों की संख्या दी गई, कुल मतों की संख्या दी गई हो फिर किसी एक उम्मीदवार को मिले मत पूछे जाए, इस तरह से भाषा को बनाया है कि फिर भी आप सवाल जब देखेंगे तो आपको टच कर जाएगा, ठीक है। जैसे एक सवाल ले लेते हैं, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध मतों का 55% मत प्राप्त करता है। दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध मतों का 55% मत प्राप्त करता है, 20% मत अवैध थे। ये देखो कहां पे कहां रख दिया। यदि कुल मतों की संख्या 7500 थी या हो तो बताइए दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या क्या है। बहुत बेहतरीन सवाल, तुरंत हाथ डाल दीजिए हवला हल, माइंड सेटअप हो गया हमें आगे करना क्या है, हवला हल सवाल को हल करके दिखाना है। ये डालने से क्या है, माइंड सेट हो जाता है, हमें हल करना है, अब ये नहीं होना सवाल छोड़ना है, हल करना है। फिर से देख लेते हैं एक बार सवाल, दो उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में उम्मीदवार तो दो ही होंगे, एक उम्मीदवार कुल वैध मतों का 55% मत प्राप्त करता है, 20% मत अवैध थे, यदि कुल मतों की संख्या 7500 हो तो बताइए दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त हुए वैध मतों की संख्या क्या है। दो दो लैंग्वेज डाली गई है, आप सवाल को एकदम अभी देखेंगे बेसिक से हम बताते हैं और फिर हमारे साथ बने रहिए, एक लाइन में सवाल सॉल्व हो जाएगा, एक लाइन। बस उसमें आपको ये ध्यान रखना है
कि हमें कौन सी लाइन कब कहां से क्या करना है। देखिए पहले आपको एकदम सिद्धांत से बताते हैं। अभी तक जो ज्ञात करते थे आपको दिया जाने लगा, देखो कुल मतों की संख्या 7500, तो कुल मतों की संख्या 7500 दी गई। अब आप एक बात बताओ, कुल मतों की संख्या हो गई 7500, यानी कि कुल मत हो गए 7500। अब 7500 हो गया है तो बताइए दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त गैर मतों की संख्या क्या है। यदि कुल मतों की संख्या 7500 हो गई तो अब देखो जब मतों की संख्या 7500 तो पहले हम चर्चा क्या करेंगे, वैध अवैध। तो 20% मतदाता अवैध हैं तो इसका मतलब वैध मतदाता हो जाएंगे, वैध मत बराबर हो जाएंगे 7500 का 80% का हटेगा गुणा परसेंटेज हटेगा बटे 100, 0 0 करके सॉल्व कर लिया, 8 5 40, 8 7 56, 56 4 60, यानी कि वैध मत आ गए 6। सबसे पहले 7500 मतदाता वोट डालने गए, 20% कह रहा क्वेश्चन उसमें अवैध हो गए, अब तो वैध मत कितने बचे 80, 7500 का 80% निकाला, 7500 का 80% यानी कि 7500 से पहले हमने निकाला तो 6000 वैध मत निकल गया है। अगर इस क्वेश्चन में डिजिट के रूप में पूछ रहे तो बताइए कितने मत अवैध हो चुके हुए, तो 1500। इन दोनों का अंतर, अंतर इन दोनों का हो जाएगा अवैध मत। अब देखो जब वैध अवैध क्लियर हो गए तो किसी के खाते में वैध मत तो डाले जाएंगे, खराब चीज तो डाले नहीं जा सकती उसके में। तो यहाँ पर कहा गया है कि एक उम्मीदवार कुल वैध मतों का, टोटल का नहीं कुल वैध मतों का 55% मत प्राप्त किया। तो इसको आप यहाँ पर ले आते हैं, पहले हम मान लिया कि यहाँ पर 6000 में से अब हमारा इनपुट हो रहा है, एक उम्मीदवार वैध मतों का पाया कितना 55%, अभी 100 का काम करेगा तो एक उम्मीदवार अगर 55% पाया है तो बोलो दूसरा कितना पाया होगा 45%, दूसरा कितना पाया होगा 45। अब क्वेश्चन तो ये कह रहा है कि दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या ज्ञात करो, तो आप यहीं पर निकाल दीजिए 6000 का 45% का हटेगा गुणा 45% बराबर 100, दो बिंदी से दो बिंदी खत्म, एक बिंदी 56 34 24 27 100। किसी को डाउट, अगर पहले उम्मीदवार को पूछ लेता तो 55 निकाल देते, दूसरे का हमेशा पूछता है इसमें। अब हम आपको इसमें बताने जा रहे हैं कि इस सवाल को कैसे लगाया जाता, ये आप सिद्धांत वाला पहले उतार लीजिए फिर एक लाइन में सवाल को सेट करवाते हैं, हम इसको इरेज करते हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छे से समझिए। और इसके खूब सारे सवाल पढ़े हैं, किताबों में हमने देखे हैं, पेपर में आए भी हैं विगत वर्ष की परीक्षाओं में। एक एक बात को आप ध्यान से सुनकर के, जिसने कभी भी मैथ ना पढ़ा हो वो भी हमारी बातों को बड़े प्रेम से सुनता रहे और वीडियो को देखता रहे तो उसको 100% मैथ आने के चांस हैं। आगे देखेंगे, इसको हम नाम दे देते हैं एमएस रूल। एमएस रूल के मुताबिक ऐसे सवालों को हल करने के लिए आप एक लाइन लिखिए, अगर इस तरह का सवाल आ जाए दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मत बराबर, प्राप्त वैध दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की या संख्या लिख दो। अब ये चीजें लिखी नहीं जाती पेपर में बार बार, हम आपको पढ़ा रहे इसलिए बता रहे हैं, आप इतना बड़ा पेपर में सजाओ। दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध मतों की संख्या बराबर, देखो बोलना सीखिएगा, बोलना कुल मतदाता कितने 7500। सबसे पहले चर्चा कार पर करेंगे वैध और अवैध पे। क्वेश्चन में भले पहले दे दिया गया है कि वैध मतों का 55% मत प्राप्त किया है, तो कुछ स्टूडेंटों की कंफ्यूजन ये उत्पन्न हो जाती है कि सवाल को यहाँ से उठाएं कि सवाल को यहाँ से उठाएं। आपको हम बता रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिएगा कि सबसे पहले अगर कोई चीज हमने कहीं पुट कर दी या हमारे खरबूजा ले आए, आम ले आए, संतरा ले आए, तो हम लेके तो आए, अब 1 किलो में हमारे कितने खराब निकल गए, खराब निकलने के बाद ही अच्छे अच्छे तो बटेंगे लोगों में। क्या कभी ये देखा है कभी कभी ये खराब इसको दे दो अच्छे अच्छे हम रख लें, यानी कि खराब को डस्टबिन में डाल दो, तो 7500 मतदाताओं में से 20% मत अवैध घोषित हो गए। अब अगर 20 अवैध हो गए तो हम चर्चा तो वैध ही कर पाएंगे, अवैध का मतलब डस्टबिन में गए, डस्टबिन को कौन छूता, कभी नहीं, डस्टबिन में तो एक बार डाला बस काम खत्म।
7500 में आप देखा बैकमत हो जाएंगे 80%। ध्यान से देखिएगा, अब 7500 का 80% वैध है। अब इनमें से कोई ना कोई व्यक्ति में बंटवारा होगा, एक पाएगा तो दूसरा कुछ और पाएगा, जो खराब थे वो तो डस्टबिन में बंद हो गए, वो हम निकल के आ नहीं सकते, ठीक है। तो 7500 का 80%। अब यहाँ पर कहा है कि वैध मतों का 55% पहला उम्मीदवार पा गया। अगर पहला उम्मीदवार 55% पा गया तो वो लोग अगर बचे हुए दूसरा कितना पाया होगा, 100 में से 55 गया 45, तो दूसरे उम्मीदवार ने पाए 45%। अब दूसरे उम्मीदवार ने अगर 45% पाए, अब मुद्दे की बात यहाँ पर कोई भी किताब कभी नहीं बोलती, किताबें कभी भी नहीं बोला करती, केवल सवाल लिख के छोड़ देती, सॉल्यूशन छोड़ देती, आंसर देती। आपको इसलिए टीचर का सहारा लेना पड़ता है कि यहाँ पर टीचर बोलता है, और बोलता है तो टीचर का आप सम्मान करें। सम्मान ये नहीं है कि आप उसका सम्मान करें, जयमाला डालें, फूल करें, ये करें, वो करें, आप तो केवल उसकी पढ़ाई की बात का अनुसरण करके आप सवालों को लगाना सीख लीजिए, उसका सम्मान इसी में होता है, और नौकरी को हासिल करें तो जैसे जिसने सोचा है। अब यहाँ पर मुद्दे की बात ये है, आप ये देखिएगा परसेंटेज कितनी बार लगा, 2 बार, और हम सिखाए हैं अपने लेक्चरों में ऊपर से कभी भी परसेंटेज हटेगा तो बटे में हमेशा कितना गिरेगा, 100 गिरेगा। तो अब यहाँ पर भी मुद्दे की बात ये है कि 100 क्या बार गिरेगा, 2 बार गिरेगा, परसेंटेज का काम खत्म। काटा पेड़ी आंसर जो पड़ेगी मैं सवाल से 0000 25 किया 75, 25 चौकों 100, 20 चौकों 80, इसको कर लेते हैं 20 किया 60 गुणित के 45, 45 गुणित 60 लिख लो, एक बिंदी बढ़ गई, 6 5 3 6 चौकों 24 3 27। ये देखो बहुत ही बेहतर, ये आपको समय लग रहा होगा लेकिन एक एक बात क्लियर करके सीखिएगा, फिर आप जब लगाइएगा सवाल तो आपको बहुत आसान लगेगा। फटाफट रखिए, फटाफट ऐसे करके आंसर लगाइए, खत्म। फिर से सुन लीजिए एक बार, कुल मतदाताओं के बाद सबसे पहला दिमाग हमारा जाएगा वैध अवैध पर। अगर इतने परसेंट अवैध हो गए हैं, अगर इतने परसेंट अवैध हो गए हैं तो तुरंत 100 से घटाकर के उन्हें वैध बना लीजिए, और एक गुणा चिन्ह लगाकर के उसी के आगे रख दीजिए, और फिर से एक गुणा लगाइए, क्योंकि अब ये वैध जो हो गए हैं तो वैध पे ही सब टूट पड़ेंगे, ये हमें इतना दो, हमें इतना दो। तो इन्होंने देखा एक उम्मीदवार पाया 55, तो दूसरा कितना पाएगा, 100 में से 55 गया 45, जाहिर सी बात है। अब हमने इनको देखा तो हमने आपको केवल ये बताया है कि यहाँ पर ऊपर परसेंटेज कई बार आया, 2 बार, तो 100 भी कई बार नीचे गिरेगा, 2 बार, और जब आप 2 बार नीचे 100 डाल देंगे तो काटा पेड़ी रह जाएगा, और काटा पेड़ी आप पर निर्भर करती है, आप सॉल्यूशन करके आंसर दे दीजिएगा। एक सवाल हम लिखने और जा रहे हैं, आपको मजे से हमारे साथ बने रहिएगा और आंसर देने का प्रयास करिएगा, आपका कंसेप्ट हमेशा क्लियर। एकदम माइंड मेकअप करके पढ़ें, और माइंड में उतने समय तक कोई बात नहीं आनी चाहिए, बहुत ही तसल्ली से अच्छे से कभी भी पढ़ते समय ही भावना ना ले आए। आप छोटी छोटी बातों को हमारे पढ़ाए गए लेक्चर से आप नोट्स करें और उनका बार बार मनन करें, मनन करने से आप में शक्ति आती है। देखिएगा अगला सवाल बताने की कोशिश करिएगा, 2 उम्मीदवारों के मध्य, ये 2 उम्मीदवारों के मध्य होने वाले किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 80% मत मिला, ये तो बहुत अच्छे से जीत गया, 80% मत मिला। इसके सामने दूसरे को खड़ा होना बेवकूफी था,
किसी चुनाव में पहले उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 80% मत मिला। यदि कुल 180,000 मतों में से 180,000 मतों में से 10% मत अवैध घोषित हो, 10% मत कैसे हो गए अवैध, 10% मत अवैध घोषित हो तो क्या कीजिए। ये तो क्या कीजिए, दूसरे उम्मीदवार को कितने वैध मत मिले, कितने वैध मत मिले। देखो सवाल एकदम से वही है, आपात श्रेणी का प्रयोग ज्यादा नहीं करते हैं, आप सुनिएगा केवल, हमने बताया आप बराबर का लगा लीजिए चिन्ह केवल। सेकंड कैंडिडेट को, दूसरे उम्मीदवार को मिले मतदाता बराबर कुल मतों की संख्या, एकदम मस्ती में कुल मतों की संख्या। सबसे पहले कहां पे जाएंगे, वैध और अवैध पर। अगर क्वेश्चन में ढूंढो अवैध अवैध दिया, भले लास्ट में गया होगा क्योंकि ये पहले दे दिया गया, तो कुछ लड़कों की विशेष प्रॉब्लम ये रहती है कि ये मान पहले रखते हैं तो पहले दिया गया। 10% मत अवैध घोषित कर दिए गए तो बोलो 10% मत अगर अवैध घोषित कर दिए गए तो यहाँ पर वैध कितने हो गए 90, और परसेंटेज जैसे लगा और फिर यहाँ पर देखा अब वैध अवैध में से एक उम्मीदवार यहाँ पर 80% मत पाया है तो दूसरा यानी कि हारने वाला कितना पाया होगा 20। परसेंटेज के बाद लगा दो बार तो परसेंटेज हटेगा, नीचे 100 भी के बाद मिलेगा दो बार, इसको हटा देते हैं। ये देखो अब 1 2 3 4 1 2 3 4 नैया तेरी जनी का, चार बिंदी से चार बिंदी कट गई। एक बार के महीने में जब माता रानी को दरबार आता है तो 1 2 3 4 मैया तेरी जय जयकार, इस तरह से हम लोग बोलते हैं और कुछ स्टूडेंटों को देखते हैं बीच बीच में कुछ और भी बोलते हैं। तो यहाँ पर होगा 18, आप इसको ऐसे ऐसे दे दो 9 18 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
आंसर हो गया 32,400। क्लियर? किसी को डाउट? बेहतरीन तरीके से आप देखिएगा वीडियो, कोई भी हमारा देखा करें अंत तक, क्योंकि अंत वाला तो सब भला, कभी कभी कुछ लेक्चर अंत में ये बहुत अच्छे शब्दों से निकलते हैं। आप बराबर साथ में बने रहिएगा। चुनाव पर आधारित टॉपिक को लेकर यहीं पर हम चर्चा खत्म करते हैं। बाद में भी और भी सवाल इसमें बनते हैं हाईलाइट लेवल के, जिन्हें हम ऑफलाइन में देखते हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा। जय हिंद।